अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज हमें जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। वहाँ से फारिग हो गए, फिर हम चले गए नन की घर। नन को जब पता लगा कि हम आए हुए यहाँ पर, क्योंकि घर के इनके घर के करीब ही था, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ भी होते हुए जाना। वहाँ से फिर हम शाम में घर पे वापस आए। घर आके थोड़ी देर हुई थी कि मेरी दोस्त आ गई अपने हस्बैंड के साथ। कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो बस वो दोस्त मेरी ना उनको देखने ही आई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड की और मेरी दोस्त के हस्बैंड की दोस्ती आपस में अच्छी है, तो फिर वो लोग आ गए थे। तो शाम की चाय हमने उनके साथ ही पी और काफ़ी टाइम हमारा अच्छा गुजरा बातों में। फिर दोस्तों की गैदरिंग में टाइम का वैसे भी पता नहीं चलता, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी बातें बहुत अच्छी करते हैं और उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो बातों ही बातों में अच्छा खासा टाइम गुजर गया था हम लोगों का। आज सुबह से ही हम निकले हुए थे, तो खाने का भी नहीं सोचा था क्या बनेगा, और बाहर के खाने का बिल्कुल परहेज़ था इनका, कुछ भी नहीं खाना था बाहर से। नहीं तो ये होता है कि कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ मंगवा लिया बाहर से। तो मैं चाय के साथ साथ मेरा दिमाग ये चल रहा था कि क्या पकाना है, क्या करूं। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मेरी दोस्त चली गई थी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं भी नमाज से फारिग हो गई थी, किचन में आ गई थी, सारा मैंने किचन समेटा, चाय के बर्तन वगैरह सब समेट के फिर मैंने खाने का सिलसिला शुरू किया। तो मैं उसी दौरान मैंने सोच लिया था, वो रखी हुई थी फ़िश, तो मैं कलाव फ़िश का कटाकट बना लेती हूँ, वो जल्दी भी बन जाएगा। फ़िश निकाल के फ़िश को मैंने स्टीम दे दिया था 5-7 मिनट। फिर मैंने इसके कांटे सारे अलग कर लिए थे, गोश अलग कर लिया था, क्योंकि फ्राई देनी नहीं थी। हस्बैंड को फ्राई चीज़ें ही मना है बिल्कुल, तो मैं कहा फ्राई तो बनेगी ही नहीं, तो उसका कटाकट ही बना लेती हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था कांटे अलग करने, क्योंकि बहुत कांटे वाली फ़िश थी ये, तो उसे कांटे अलग करने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। सारी तैयारी मैंने कर ली थी, प्याज भी काट लिए थे, टमाटर भी काट लिए थे। अब मैंने कहा लाओ फटाफट, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही थी। ऑयल गरम होने मैंने रख दिया है, इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्के सा कलर देना है प्याज को। Thank you.
जब काम की जल्दी होती है तो उस दौरान फ़ोन भी इतने आते हैं। कुकिंग के दौरान मेरे पास दो फ़ोन आ गए थे, एक दोस्त का आ गया था और एक सिस्टर का आ गया था। अब इतनी जल्दी होती है काम की, उतने ही बीच बीच में या तो कोई आ जाता है या फिर कोई फ़ोन आ जाता है, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मैं अगर जल्दी से खाना तैयार हो जाए, बार बार फ़ोन भी ज़रूर अटेंड करना ज़रूरी था क्योंकि सब उनकी तबीयत की वजह से ही सब फ़ोन कर रहे थे, खैरियत मालूम कर रहे थे। ऑयल में प्याज डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत। बस प्याज हमारे हो गए, इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। साथ ही हम डाल देंगे मसाले। मसाले में मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। ये सारे मसाले डाल के फिर हम इसको ढक के पकाएंगे। इससे पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर का पानी जो निकलेगा बस उसी में मसाला भी भुन जाएगा, और उसको ढक के हमने 5-7 मिनट पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं पानी और कहते हैं मसाला भी अच्छी तरह भून गया, कच्चापन ख़त्म हो गया इसका। अब इसमें हम डाल देंगे फिश। फिश डालने के बाद हमने इसमें पानी बस हल्का सा छीटा डालना है ताकि जो मसाला है वो फिश के अंदर अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। मसाले में नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, अब नमक हमें डालूंगी। तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है इसमें। पाँच मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। अब मैं काट तोड़ लेती हूँ धनिया। इसमें जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। अभी मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है, अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं। इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज काफ़ी लेट हो गई हूँ वॉइस ओवर करने में, और इस टाइम बाहर से भी इतनी शोर की आवाज़ें आ रही हैं और शदीद चाय की तलब हो रही है, और हमारी तो गैस ही नहीं होती। इतना दिल करता है इस टाइम, अगर मैं वीडियोस वगैरह बना रही होती हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर रही होती तो मेरी चाय की बड़ी तलब होती है, लेकिन हमारी गैस ही नहीं होती। 10 बजे गैस चली जाती है।
ये फ़िश कटाकट बहुत मज़े का बनता है और ये पूरी परांठे के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। हम लोगों ने तो खैर घर की सादी रोटी से खाया था क्योंकि ऑयल वगैरह सब मना है अभी बिल्कुल, लेकिन ये जब भी आप बनाएं ना तो उसको पूरी परांठे के साथ खाइएगा, बहुत मज़े का लगता है पूरी परांठे के साथ। अब इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी भी अजवाइन। अजवाइन तो ज़रूर डाला करें फिश में, बहुत मज़े की लगती है, चाहे वो फ्राई फिश बना रही हो चाहे वो कटाकट बना रही हो। अजवाइन डल गई, अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और डाल देंगे हरा धनिया। सारी चीज़ें डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, फिश कटाकट हमारा तैयार हो जाएगा। कटाकट को मैंने दम पे रख दिया था, फिर मैंने तैयार कर लीजिए रोटियाँ। फिश पकने में टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, तो भाप में गल जाती है, बस तैयारी में जो टाइम लगा था वो लगा था। तो ये कि रोटियाँ और कटाकट तैयार होने में मुझे आधा घंटा लगा था, आधे घंटे मैंने खाना लगा लिया था तैयार करके। फ़िश कटाकट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। आप कमेंट्स में भी आके ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप लोग को, आप लोग ट्राई भी करते हैं नहीं करते हैं, तो अपने कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें। अब दें इजाज़त मुझे अपनी दुआओं में, मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।